ये आपका सवाल होगा, है ना? देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सवाल सर बच्चे बोल रहे थे, दोनों बच्चे दस दस, दोनों बच्चे बोल रहे थे। दस बता दिया तुमने, वेरी नाइस। देखो अच्छी बात है, हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, ये अलीना नाम की बच्ची है जो छठी पढ़ती है। सर कुलदीप ने भी बताया, इसने ये सवाल कर दिया साहब, है ना? तो ये 6 कम 6 0 0, तो 6 1 कम 6 0 0, तो ए बराबर आपका हो जाएगा भाई साहब, ए स्क्वायर बराबर 100, और ए बराबर हो जाएगा आपका √100, और ए बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, है ना बेटा? तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो इसका आयतन चाहिए, मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे आयतन चाहिए। आयतन मतलब क्या? आयतन मतलब क्या? मुझे बी चाहिए। हाँ, 1 की घात 3, वेरी गुड। 1 की घात 3 चाहिए, यानी कि मुझे बी बराबर 1 की घात 3 चाहिए। तो बी बराबर 10 की घात 3 होगा, 10 की घात 3। देखो इसने कितना जल्दी जवाब दिया। नहीं सर, सर मैंने तो कुछ और कर लिया था सर, 100 समझा था हमने। 10 की घात 3 कितना होता है? 300, 30 होता है। 10 की घात 3 कितना होता है? 1000। तो ऐसे सोच के बोला करो भैया। अरे सर हमने मां 3 क्या देखा था, मेरे जाने क्या ही देखा था। 1 2 3, 1000। अब ये आयतन है, और आयतन की जो इकाई होती है मात्रक होता है, यूनिट होता है। आयतन का जो यूनिट या इकाई या मात्रक होता है वो घन घन होता है, घन। और सवाल मीटर में है तो घन मीटर, और सवाल अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर। चाहे तो ऐसा हिंदी में लिखो और गणित में लिखना हो तो गणित में सी एम क्यूब, चाहे तो आप ऐसा लिखें, चाहे तो आप ऐसा लिखें, है ना? चलिए अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। अगला प्रश्न लिखिएगा भैया, ये रहा आपका अगला प्रश्न। उस घन का, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसका, आवाज नहीं बेटा पढ़ा रहे ना, जिसका आयतन। ये तुम्हें भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना? आयतन सीख, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है ना, अगर समझोगे तो। अभी मैंने आपको घन बताया, जिसका आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, 729 घन सेंटीमीटर है। ये प्रश्न है बेटा आपका। देखो अब आपको निकालना है इसका टोटल एरिया। क्या निकालना है? टोटल एरिया, जबकि आपको दिया गया है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम दिया गया है, है ना? तो इस आयतन की मदद से, इस आयतन की मदद से आप संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, है ना? तो यहां लिखेंगे आप सॉल्व, सॉल्व में यहां लिखेंगे आप घन का आयतन बराबर क्या? 1 की घात 3, वेरी नाइस, है ना? तो यहाँ तो आयतन की जगह 729 बराबर 1 की घात
तीन। अब ए घन हटेगा, ए का घन हटेगा तो बराबर के उस तरफ जो संख्या होती है उस पे घनमूल लग जा, ये घनमूल लग गया, घनमूल आ गया। अब 729 का घनमूल हमें निकालना है, 729 का घनमूल हम निकालेंगे तो भैया 3 से 3 दुनी 6, हेलो 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, बचा एक पड़ोसी को दिया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दुनी 6, बचेगा 2 इसको दिया, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हेलो यहाँ तक आगे पक्का आगे, है ना। अब ये जो तीन तीन के टुकड़े हुए हैं बताओ तो क्या है भैया, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। चलो बराबर में क्या ए, तो ये जोड़ा आपका 3 का निकल गया, 9 इधर से 3 का ये निकल गया, ए बराबर कितना हुआ, 9। ए बराबर 9, बिल्कुल सही जवाब, ए बराबर आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन तो दिया भैया, आयतन से तो हमने ए निकाला है, आयतन से ही ए निकला है, समझे ना। चलो देखो अब लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, 6a² 6 ए कितना, 486 ए 9 है ना, 9 की घात 2 सर, 886 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है इसका आंसर आखिरी में, कितना आ रहा बेटा, 886 48, इतना वर्ग सेंटीमीटर है ना। चलो कोई बात नहीं, अब अगला प्रश्न, उतार लिया सबने, उतार लिया बेटा, हाँ सर उतार लिया। चलो अगला प्रश्न करेंगे अब हम, देखो प्रश्न देखना बेटा, यदि यदि किसी यदि किसी घन के विकर्ण, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 10√3, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, ये प्रश्न है। आवाज किसकी आ रही है, कर लिया तो दूसरा कुछ करो बेटा, है ना, मैं थोड़ा इनको पढ़ा रहा हूँ ना। तो अब घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है,
बताओ घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र मैंने अभी लिखाया था ना, घन के विकर्ण बेटा, घन के विकर्ण की लंबाई a root 3, वेरी गुड, d is equal to a root 3, हाँ घन के विकर्ण की लंबाई d is equal to a root 3, अब d कितना दिया, d यानी लंबाई, घन के विकर्ण की दूरी, या l कहो चाहो तो आप l भी कह सकते हैं, मैंने d से इसलिए क्योंकि विकर्ण है, डायगोनल, तो लंबाई कितनी दी 10√3 बराबर a रूट तीन, तो 10√3 और ये रूट तीन गुणा में है तो बटे में रूट तीन से रूट तीन कट गया, तो a बराबर कितना आ गया बताओ 10। तब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बोल दो, s बराबर 6a वेरी गुड, 10 की घात 2 है ना, तो s बराबर कितना हो जाएगा 6 × 100 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलो v बराबर क्या, v बराबर होता है a क्यूब, तो सर मैसेज उसको कैंसिल कर दो, यस तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 10³, तो v बराबर हो जाएगा आपका 10 × 10 × 10 कितना हो गया भैया, v बराबर हो जाएगा बेटा 1000 घन सेंटीमीटर, और इस प्रकार से ये सवाल हमने आपको करके दिखाया है ना। चल अगला प्रश्न लिखिए आप, अगला प्रश्न ये रहा आपका 5√3, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 है तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, आपको करना है।